संस्थान अंतर्गत एक बलात्कार का मामला उजागर हुआ है, जहां आरोपी ने पीड़िता से 2 साल तक यौन शोषण किया और अंत में 1.5 लाख की धोखाधड़ी की। मामले का संज्ञान में लेते हुए आरोपी पर बलात्कार एवं धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शादी करने का झांसा देकर 2 साल तक युवती का यौन शोषण करके 1.5 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पांच पावली पुलिस ने आरोपी प्रफुल्ल रामचंद्र बलेर पिरामिड सिटी बेलतरोड़ी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पीड़ित 24 वर्षीय युवती पांच पावली में रहती है। कॉलेज में अध्ययन के दौरान उसकी प्रफुल्ल से पहचान हुई, बाद में यह पहचान मित्रता में बदल गई। कोविड संक्रमण के दौरान युवती के मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के सदमे में होने से पीड़िता विचलित हो गई थी। इसका लाभ उठाकर प्रफुल्ल उसके करीब आया। उसने सांत्वना देने के बहाने पीड़िता को शादी करने का झांसा दिया। अप्रैल 2021 में शादी करने के नाम पर वह पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। प्रफुल्ल ने पीड़िता की मां का आधार और पैन कार्ड पहले ही हासिल कर लिया था। इसके आधार पर उसने अलग अलग ऑनलाइन ऐप से 1.5 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया। इसका पीड़िता को पता नहीं चल पाया। प्रफुल्ल द्वारा कर्ज की किश्त अदा नहीं करने पर युवती को जालसाजी का पता चला। उसके सवाल करने पर प्रफुल्ल ने कर्ज लौटाने का वादा किया। इसके बाद प्रफुल्ल के बर्ताव में बदलाव हो गया। वह युवती से कन्नी काटने लगा। उसने शादी करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने पांच पावली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर प्रफुल्ल को गिरफ्तार किया है। एक्चुअली पांच पावली की हद्दी में एक पीड़ित महिला है, 24 साल की है। वो पुलिस स्टेशन पे आई है कल रात में और बोले कि पांच बेलतड़ी की हद्दी में एक आरोपी है, उसका नाम है प्रफुल्ल रामचंद्र बले, 35 वर्ष, रहना रहा है पिरामिड सिटी बेलतरोड़ी। इसके जो है ये आरोपी, इससे पहचान हुई थी लड़की के साथ। उसकी माँ थी, कोरोना में मर गई थी, इस वजह से पहचान थी। तो उसने शादी का झांसा देके उसके साथ गैरकृत्य किया है और कुछ उसकी मम्मी का आधार कार्ड था फिरियादी का, उसका वापर करके, पैन कार्ड का वापर करके लोन वगैरह भी उठाया है उसके नाम पे, जिसका जो पीड़ित मुलगी है उसको कुछ पता ही नहीं था। जब उसको मालूम पड़ा तो उसने बोले भाई तुमने लोन वोन उठाया पेमेंट वगैरह, तो उसने बोले मैं नहीं देता वगैरह, इस टाइप से उसने किया। तो उस पर गुना दाखिल हुआ 376 और 420 का, अभी तपास शुरू है। एक्चुअली जो पीड़ित जो मुलगी है उसकी जो मम्मी का पैन कार्ड आधार कार्ड इसका वापर करके अलग अलग ऐप से इसने 1,50,000 रुपये उठाया है मार्केट से, और अभी इसका तपास चल रहा है और अभी उसका PCR में लेके गए, आने के बाद आगे की माहिती आपको देने में आएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।